Jai Ho! Subscribe the channel and press the bell icon. Would never miss updates from Charammangal. जीवन के विविध अनुभवों से गुजरते हुए हम सारे लोगों के जहन में अनेकों तरह की चिंताएं जन्म ले लेती है। बहुत स्वाभाविक है कि हमारा मन चिंतित रहता है। ये एक सामान्य सी मनोदशा है तो बीमारी, लेकिन इतनी कॉमन है कि हम सब इस बीमारी के आदि हो चुके हैं। और चिंता के परिणाम देखो, बाल सफेद हो रहे हैं, चेहरे पे झाइयाँ, झुर्रियाँ, आंखों पे चश्मा, नहीं, और समय में लोगों को बीपी की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, बोन डेंसिटी कम हो गई, कितनी सारी तकलीफ है। और सारी तकलीफों के मूल कारण में खोजा जाए तो हमारी अधिकांश बीमारियां जो है वो केवल हमारे गलत सोच की वजह से। चिंतित रहने की वजह से। यूं तो चिंताओं के अनेक विषय, लेकिन फिर भी अगर हम इस चिंताओं को दो भागों में बांटना चाहें तो उन दो भागों की बात आज हम करते हैं। पहला विभाग चिंता का है, जो चाहिए वो अभी तक मिला नहीं, इस बात की चिंता। पहली चिंता का विषय है जो चाहिए वो अभी तक मिला नहीं, चाहे वो घर हो, वो वर हो, वो लड़की हो, वो दुकान हो, वो सोशल स्टेटस हो, वो रेपुटेशन हो, वो इनकम हो, वो सैलरी हो, एनीथिंग एल्स, कुछ भी जो चाहिए वो अभी तक मिला नहीं, इस बात की चिंता है ना। और दूसरी चिंता है कि जो मिला है उसमें हमें समाधान नहीं। यही है ना, जो मिला है उसमें हमें समाधान ही नहीं, उसमें हमारे दिल को तसल्ली नहीं है, उसमें हमारा चित्त लगता ही नहीं। जो घर मिल गया तो कहते इसमें मन नहीं लग रहा, बड़ी मुश्किल से तुमने घर खरीदा, इस घर की खरीदने की स्थिति तक तुम पहुंच पाए और अब घर मिल गया तो कहते समाधान नहीं हुआ, जैसा चाहिए था वैसा नहीं। बहुत सालों तक शादियां नहीं हुई, अब शादी हो गई तो भी समाधान नहीं है। तभी कहते जो चाहिए थी वो तो मिली नहीं। या वो मिला नहीं, या कहते हो कि पहले कुछ और दिखता था, निकला कुछ और। यानी कुछ भी करो, आदमी का मन बेचैन ही रहता है। और ये कितनी सारी बीमारियों का कारण है। हमारी जितनी भी शारीरिक बीमारियां हैं, 100% ना भी लो तो कम से कम भी 97-98% बीमारियां तो चिंता की वजह से, और हम सब जानते हैं। इस चिंता की व्यर्थता को भी तो जानते होंगे कि नहीं जानते। चिंता व्यर्थ कितनी है ये भी जानते होंगे, चिंता के दुष्परिणाम कितने हैं ये भी जानते होंगे, लेकिन चिंता के चक्रव्यूह से बाहर कैसे आना, फंस गया अभिमन्यु, बाहर निकलना नहीं आता। क्योंकि अगर हम चिंता के चक्रव्यूह से बाहर आने की सोचें तो वह भी हमारी एक नई चिंता बन जाती है। कि चिंता से छूटे कैसे, ये चिंता दलदल हो गया, एक तरह से दलदल ही बन गए। जितना पैर बाहर निकालने के लिए बढ़ाओ उतना पैर अंदर धंसता चला जाता है, जा ही रहा है। अब
चिंता मुक्ति के यूं तो बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन जैसे हमने दो तरह की चिंता बताई, बहुत सारी चिंताओं को हमने दो हिस्सों में बांटा, ऐसे ही चिंता मुक्ति के बहुत सारे उपायों में से हम दो उपाय की बात करेंगे कि वे दो उपाय अपना लें तो हमारी चिंताओं से हम निजात पा सकते हैं। चिंता से छूटने का पहला उपाय, अपने मन को बार बार कहो कि जो मिला है मैं उसके लिए थैंकफुल हूं। जैसे भी सिचुएशन में मैं आज हूं, मैं थैंकफुल हूं। जो मिला है उसकी महत्ता देखो, जो मिला है उसको महत्व देना सीखो। कितना महत्व दे सकते हो उतना दो, क्योंकि कभी भी क्वांटिटी नहीं क्वालिटी ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए जो मिला है उसकी संख्या पे तादाद पे मत जाओ, उसमें अपना महत्व भरो। क्या खूब मिला, आपका और आपके पति का स्वभाव नहीं मैच करता, आपका और आपके बच्चे की सोच नहीं मैच करती, आपकी और आपके घर वालों का विचार नहीं मैच करता, कोई बात नहीं, इस बात की खुशी मनाओ कि हम साथ साथ रहने को है, हम साथ साथ खाना खा सकते हैं, हम साथ साथ बातें कर सकते हैं। कोई तो भी है मेरे घर में बात करने वाला, लाखों लोग ऐसे भी तो है जिनके घर में कोई बात करने वाला ही नहीं है, जिनके हाथ का बनाया हुआ खाना कोई खाने वाला ही नहीं है, जिनको सुबह से शाम तक कोई देखने वाला ही नहीं है, कोई नजर भर के देखता तक नहीं है, ऐसे लोग भी इस दुनिया में लाखों। हमें जो मिला है उसको महत्व देना सीखो। जैसे ही हमारा मन मिले हुए को महत्व देने लग जाएगा, वैसे ही नहीं मिले हुए का जो महत्व देने की आदत है वो आदत घट जाएगी। बस इतना, वो गियर चेंज करना है, गाड़ी का गियर चेंज करते हो ना गाड़ी चलाते वक्त, ऐसे ही अपने माइंड का गियर चेंज करो। जो मिला है उसको महत्व दो, जो नहीं मिला है और अभी नहीं मिल सकता है, कुछ चीजों के लिए हमारे पास में लाइफ में ऑप्शंस नहीं होते, जैसे शादी हो गई देर इज नो ऑप्शन, बच्चे हो गए देर इज नो ऑप्शन, शादी से पहले ऑप्शंस थे, अभी कोई ऑप्शन नहीं है। अभी एक बार रजिस्ट्री कर ली, अभी वो घर आपने खरीद लिया, पैसे भर दिए, घर में आके रहना शुरू कर दिया, देर इज नो ऑप्शन, क्योंकि नया घर खरीदना है तो अभी इतने बस की बात नहीं एकदम से। ओके, ऐसे बहुत सारी सिचुएशन है जिसमें आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो तब जिसको नहीं बदला जा सकता उसको एक्सेप्ट कर लो और उसके ऑपोजिट की तरफ मन दौड़ा भी मत, उसको महत्व देना ही बंद कर दो। एक विधवा स्त्री मिली, बहुत दुखी हो रही थी, लाइफ का पार्टनर चला गया तो परेशान थी, लगातार अपने दुखड़े शेयर कर रही थी। बहुत देर उसको सुनने के बाद उसकी मित्र उसको बोली कि एक बात बता, मैं जब पिछली बार तुझसे मिली थी जब उसके हस्बैंड जीवित थे, तब तू लगातार अपने हस्बैंड की बुराइयां कर रही थी, तू बहुत परेशान थी उससे, कह रही थी कि कैसा किस्मत मेरी फूटी हुई, ऐसा आदमी पाले पड़ा, कुछ समझता नहीं है, कभी ध्यान रखता नहीं है, जरा भी केयरिंग नहीं है, उसको कोई परवाह नहीं है, और तूने उसकी कितनी बुराइयां की थी। मुझे याद आता है कुछ सालों पहले जब हम मिले थे तब तूने लगातार अपने हस्बैंड की बुराई की, और आज तो उसके जाने से बहुत ज्यादा परेशान होकर के दुखी हो रही है, तो क्या तू सोच नहीं सकती कि कम से कम वो इतने सारे दुख जो उसके होने से तुझे मिल रहे थे वो तो मिलने बंद हो गए,
सोच सकती है वो, शायद वो सोच सकती है, लेकिन वो सोचना कभी नहीं चाहेगी, क्योंकि उसको तब भी दुखी रहने की आदत थी और अभी भी दुखी रहने की आदत है। एक एग्जाम्पल है ये बात तो, पर हम में से हर एक व्यक्ति को ऐसे ही दुखी रहने की आदत है। बच्चे घर में और चाँचू कर रहे हैं ना तो दुखी, और वो हॉस्टल में चले गए और घर एकदम सुना सुना हो गया ना तो भी दुखी हो, क्योंकि दुखी रहने की आदत है ना। इसीलिए जब बच्चे शोरगुल कर रहे हैं ना तो इस बात की खुशी मनाओ कि आपके घर में बच्चे तो है शोरगुल करने के लिए, जिसके लिए आप खाना बना सको, जिसके साथ बातें कर सको, जिसके ऊपर गुस्सा भी निकाल सको, कम से कम गुस्सा निकालने के लिए भी सही बच्चे तो है आपके पास। अरे खुशी मनाना तो सीखो, जो है उसको महत्व दो, जो नहीं है उसको महत्वहीन बना डालो, जो नहीं मिल सकता है वो आपके लिए जरूरत का ही नहीं है ऐसा बना लो, अपनी सोच को ऐसा बना लो, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है। स्ट्रांगली बोलना पड़ेगा खुद को, खुद के ही मन को स्ट्रांगली कहना होगा कि जो मुझे नहीं मिला मुझे उसकी जरूरत ही नहीं है। जो मुझे नहीं मिल सका वो मेरे लिए था ही नहीं, अगर मेरे लिए वो जरूरी होता ऑटोमेटिकली मिल चुका होता, तो जो मुझे नहीं मिला उसके लिए मैं किस बात के लिए रोऊं। हमने कई लोगों की दुकानों पर एक वाक्य लिखा हुआ पड़ा, कई व्यापारी लोग अपनी दुकानों पर वो वाक्य लिख करके रखते हैं, शुभ लाभ नहीं, नहीं नहीं ये भी नहीं, नकद उधार की बात भी नहीं, नहीं वो लिखते नहीं, वो लिखते हैं जावे सो मेरा नहीं, मेरा सो जावे नहीं। यहाँ पता नहीं महाराष्ट्र में, राजस्थान में हमने बहुत सारे लोगों की दुकानों पर ऐसा लिखा हुआ देखा है, बहुत लोग ऐसा लिख के रखते हैं जावे सो मेरा नहीं, मेरा सो जावे नहीं। अगर वो चला गया तो तुम्हारा था नहीं, और तुम्हारा होता तो तुमसे जाता नहीं। कितना समाधान मिल गया इस बात से, नहीं मिला। जो जिंदगी से चली गई ना या चला गया, वो व्यक्ति थी, वो व्यक्ति था, वो वस्तु थी, वो घटना थी, वो संयोग था, वो निमित्त था, जो चला गया वो मेरा नहीं, और जो मेरा है वो जाता नहीं। इस एक सेंटेंस को आप कितने अलग अलग आयामों से समझ सकते हो। अगर आध्यात्मिक अर्थों में बात करें ना, तो नियम है कि जो जाता है वो पुद्गल है, वो मेरा नहीं, और जो मेरा है यानी आत्मभाव है वो मुझसे कभी जुदा होता नहीं, मेरा अस्तित्व मुझसे जुदा हो सकता नहीं, और जो मेरा है नहीं, मेरा स्वरूप नहीं, मेरा वजूद नहीं, मेरा रूप नहीं, मेरा स्वरूप नहीं, जो मेरा है ही नहीं वो जाए तो मुझे क्या। देखो आध्यात्मिक अर्थों में भी ये सूत्र कितना प्यारा है कि जावे सो मेरा नहीं, मेरा सो जावे नहीं। और प्रैक्टिकल अर्थों में अगर आ जाओ तो ये वाक्य आप जितनी बार बोलोगे आपके चित्त को समाधि हो जाएगी कि जो चला गया वो मेरा है ही नहीं, जो नहीं मिला वो मेरा था ही नहीं, वो मेरे लायक ही नहीं था, अभी उसका मेरा संयोग नहीं होना था, लायक नहीं था। इट्स ओके, कहना सीखो। हम कह ही तो नहीं पाते, हम बोलते बड़ा दीन होकर के बोलते मुझे मिला ही नहीं। ये मत बोलो मुझे नहीं मिला, ये बोलो मेरा था ही नहीं, मेरी जरूरत ही नहीं थी, मेरे काबिल ही नहीं था। अगर मेरे काबिल होगा तो लौट के आएगा, वो मेरे काबिल था ही नहीं इसलिए चला गया। स्ट्रांगली बोलना सीख जाओ ना तो आपका जो दिल दिमाग है ना, दिन भर जो परेशान होता रहता है और आपको वो बेचैन करता रहता है, हाय 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 मचाता रहता है,
वो सब हाय हाय मिट जाएगी। और आपको सबसे बड़ा दुख पहुंचाने वाला व्यक्ति कौन है? हम खुद, आपका अपना मन। हम खुद ही तो है हमारे सबसे बड़े शत्रु। दिन भर अपने आप को बोलते रहते हैं, मिला नहीं, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, चिंता चिंता, खुद ही तो कर रहे हैं ना। तो जैसे आप चिंता सोच के करते हो, बोल के करते हो, हर जगह चिंता की वाक्य बोलते रहते हो, अब से ऐसा बोलना स्टार्ट करो, जो मुझे मिला है। अपने बच्चे के लिए भी बोलो, अपने पति के लिए बोलो, अपनी पत्नी के लिए बोलो, अपने माता पिता के लिए बोलो, अपने परिवार के लिए बोलो, अपने शरीर के लिए बोलो। कई लोग अपने मोटापे से परेशान है, दिन भर अपने आप को ही कोसते रहते हैं, कोसते रहते हैं, कोसते रहते हैं। और जो लोग पतले हैं ना, कई लोग मैंने देखा वो अपने पतले होने से परेशान है। वो कहते हम कितना भी खा ले मोटे नहीं हो सकते। वो लोगों को कहते हैं थोड़ा मोटापा दे दो ना, मोटे लोग दे कैसे सकते हैं ना। लेकिन पतले लोग भी उतने ही परेशान, मोटे लोग भी उतने ही परेशान। भैया एक्सेप्ट ही कर लो ना, जैसा हूं ठीक हूं, मस्त हूं। जो मिला है उसका रेस्पेक्ट करो, जो नहीं मिला उसको कहीं ना कहीं अपने माइंड से वैल्यूलेस बना डालो, ताकि बार बार सोच करके अपने आप को दुख देना बंद कर दो। इसलिए नहीं कि वो वैल्यूलेस है, इसलिए कि उसको वैल्यू दे दे करके अपना हम अपना वर्तमान खराब कर रहे हैं। इसीलिए जिनको नहीं बदल सकते उनको एक्सेप्ट कर लो। लेकिन एक्सेप्ट जब भी करो ना, क्वालिटी देख करके करना, बहुत बढ़िया हुआ जो नहीं मिला, ऐसा बोलना। ऐसा मत कहना बहुत अनलक्की हूं जो मुझे नहीं मिला, नहीं तो फिर दुख लाओगे। क्या कहोगे, वो घर छूट गया, वो डील हो रही थी, मुझे नहीं मिला। अब बार बार कहोगे नहीं मिला और अनलक्की फील करते हुए कहोगे नहीं मिला, जबकि ये फील करते हुए कहो बढ़िया हुआ जो नहीं मिला, इसमें भी कुछ तो भी अच्छा है, अच्छा ही होना है। क्योंकि मैं जानती हूं मेरी किस्मत में तो अच्छा ही होना है। कोई बुराई करे ना आपकी, है ना, बढ़िया ही था, अच्छा ही कहा उसने, क्योंकि मैं जानती हूं मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। इसलिए सामने वाला बुराई किया तो क्या फर्क पड़ता है। स्ट्रांगली बोलना सीखो, पर कमजोर बनने की कितनी पुरानी आदत है हमारी। कमजोर बनने की आदत को छोड़ना है, जीतना है। जब तक हम कमजोर है तब तक हम जैन धर्म को समझे ही नहीं है। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि जैन धर्म कमजोरों का धर्म नहीं है, शूरवीरों का धर्म है, क्षत्रियों का धर्म है, महावीर होने का धर्म है, कायर होने का धर्म नहीं है। ये जिसके कान में कीले ठोके गए उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा, हमारे कान में कुछ शब्द आया और हमको फर्क पड़ गया। कभी तो याद करो भगवान महावीर स्वामी जी को, कि जिसके कान में कीले ठोके गए उसको फर्क नहीं पड़ा, मेरे कान में तो कुछ शब्द ही पड़े कि आपके बारे में लोग ऐसा कह रहे थे, तो क्या फर्क पड़ना। स्ट्रांग बनो। जैन धर्म नाथ होने का धर्म है। आप देखो 24 भगवान के नाम के पीछे क्या लगता है, नाथ लगता है, कहीं दास लगा? हमारे यहां कोई तुलसीदास जी नहीं पैदा हुए, मतलब कोई दास बन के भक्ति नहीं कर रहा है। अगर आचार्य मान तुम भक्ति भी करते हैं ना परमात्मा की, तो क्या बोलते हैं, सो हम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश, मैं वही हूं जो आप हो, फिर भी तेरी भक्ति के वश में आकर के स्तुति करता हूं। हूं तो मैं वही जो आप हो। और अभी हम सब कैसे बने बैठे हैं, हमेशा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में। सुपीरियर होने की चाह में और इंफीरियोरिटी को, चादर को ओढ़ करके, इन्फीरियोरिटी की चादर ओढ़ करके बैठे हैं और सुपीरियर होने की चाह में बैठे हैं। ये हमारी प्रेजेंट कंडीशन है। तो इन्फीरियोरिटी की चादर उतार दो,
और सुपीरियर होने की चाह भी छोड़ दो, चिंता खत्म। द फर्स्ट फार्मूला, जो मिला उसको बहुत रेस्पेक्ट दो, बहुत महत्व दो, इतना महत्व दे दो जो मिला है उसको कि आपका मन उसमें लगे, और जो नहीं मिला है उसको इतना महत्वहीन बना डालो कि आपका मन वहां से हट जाए। मन को जिस स्थान से फेरना हो ना, उस स्थान को एकदम महत्वहीन बना डालो, मन हटने लग जाएगा वहां से। और जब तक उस स्थान को महत्व देते रहोगे, मन बार बार वहीं जाएगा। और आदत हम सबकी पुरानी पड़ी हुई है, जो नहीं मिला है उसको महत्व देने की, जो मिला है उसको गौण कर देने की। अब देखो ना, किसी के घर पे आप मिलने जाते हो, और सपोज आप जनरली जब भी जाते हो अपने हस्बैंड के साथ जाते हो, आज अकेले चले गए, तो लोग पहले यही पूछेंगे, वो कहाँ है भाई साहब, जो मिला है उसको नहीं, जो सामने नहीं आया लोग उसी को पूछेंगे। नहीं, इवन देन साधु महात्माओं के पास भी चले जाओ ना, तो वो भी यही कहने वाले हैं, इतने दिन आई नहीं। अभी कई महात्मा लोग ऐसे पूछते ना, इतने दिन आप आए नहीं, तो सामने वाले आदमी कहता है, घबरा करके जाना ही नहीं, भी जाएंगे तो हमारा सब पहला क्वेश्चन यही करने वाले कि इतने दिन आए नहीं आप, तो इसलिए वो आते ही नहीं। तो हम कहते हैं कई महात्माओं को, ऐसा पूछना बंद करो कि इतने दिन क्यों नहीं आए, इस बात की खुशी मनाओ आ जाए, और जो आए उसकी बात करो ना, जो नहीं आए उसकी चर्चा क्यों किए जा रहे। पर गलत जगह फोकस करने की आदत हम सब की बहुत पुरानी है, जो नहीं आया उसकी चर्चा करना, जो सामने नहीं बैठा है उसकी बातें करना, जो सामने बैठा है उसकी बातें, उसके चले जाने के बाद करना, नहीं। तो इसलिए इस मानसिक संरचना को थोड़ा सा, इस ट्रैक को थोड़ा सा चेंज करना होगा, जो सोचने का पुराना ट्रैक है ना उसको बदलो, देखो दुख गायब, चिंता गायब। तो पहला पॉइंट है हमारा कि जो मिला उसको महत्व दो, जो नहीं मिला धीरे धीरे उसको वैल्यूलेस करते जाओ, ताकि आपका दिमाग वहां से हट सके। लेकिन उसको वैल्यूलेस करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसकी बुराइयां देखो, ऐसा नहीं कह रहे हम उसकी बुराइयां देखो, इसका मतलब यह है वो मेरे काबिल नहीं था, बस मेरा वो ट्रैक नहीं, मेरा वो रास्ता नहीं, मैं अपने रास्ते पे सुखी हूं, मैं जिस रास्ते पे हूं उससे सुखी हूं, क्योंकि जो गया वो मेरा नहीं, जो मेरा है वो जाता नहीं। तो चिंता के दो कारण, मुक्त होने का एक कारण तो समझ में आ गया कि जो मिला उसको थैंक यू देते जाओ, जो नहीं मिला उसको हटाते जाओ दिमाग से, चिंता चेंज हो जाएगी, ठीक है। दूसरा उपाय अपने दिमाग से चिंता हटाने का, कभी भी ये मत सोचो कि सुख किसी दिन आएगा, क्योंकि हम में से अधिकांश लोग सुख की प्रतीक्षा करते हुए पूरी जिंदगी गंवा बैठते हैं। सुख हो, सफलता हो, समृद्धि हो, प्रतिष्ठा हो, हम जिस भी चीज को चाहते हैं ना, हम हर उस चीज को हमेशा फ्यूचर में टांगते हैं, और फिर फ्यूचर की तस्वीर को अपने पास लाना चाहते हैं, और इस इंतजार में आज के दिन चले जाते हैं। ये हम सबकी बहुत पुरानी आदत है, और शायद हम ऐसे ही सिखाया गया है। हम जब छोटे थे तो क्या सोचते थे, बड़े हो जाएंगे ना तो अपनी मन मर्जी कर सकेंगे। लेकिन एक छोटे बच्चे ने अपने पापा से पूछा, पापा मुझे एक प्रश्न का जवाब दो। पापा बोले, बोल बेटा, मैं इतना बड़ा कब होऊंगा कि मुझे मम्मी की ना माननी पड़े। पापा बोले, इतना बड़ा तो मैं भी नहीं हुआ। मुझे भी अब तक हर काम मम्मी से पूछ के ही करना पड़ता है, ना करूं तो लड़ाई हो जाती है। कहने का मतलब यह हुआ कि हम में से हर आदमी ये सोचता है, कल तो कभी सुख आएगा, है ना। बच्चे छोटे थे तब सोचते थे, बच्चे बड़े हो जाएंगे तो अपनी लाइफ जी सकेंगे हम। जब बच्चे बड़े हो गए तब दूसरी तरह की टेंशन है आपको, अब इनकी शादियां कब हो, ये शादियां हो गई तो टेंशन,
वो उनके सेटल हो जाए काम थोड़ा सा, है ना। फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट बुढ़ापे तक, और जब बुढ़ापा आ जाता है तो बहुत नहीं टेंशन, तो महाराज साहब अब आना तो बहुत चाहती हूँ आपके पास में, लेकिन करूँ क्या, वो ड्राइवर नहीं है लाने वाला, चल नहीं सकती, बैठ नहीं सकती। अच्छा पोते पोतियों का टाइम होता है, बहू जी को उनको छोड़ने जाना होता है घर पे, कोई तो भी चाहिए होता है, मतलब वो दिन कभी नहीं आने वाला जब आप कहोगे ओ आज मैं सर्वार्थ सुखी हूं, क्योंकि वो दिन कभी आता नहीं है, वो दिन आज के दिन को हमें बनाना होता है। तो बहुत बड़ी चिंता का कारण होता है कि कोई दिन तो हो जाएगा जब चिंता मुक्त हो जाऊंगा, आज ही वो दिन है जब आप पूर्ण सफल हो। आज को ऐसे जियो जैसे एक सफल आदमी कैसे जीता, एक अमीर आदमी कैसे जीता, एक सुखी आदमी कैसे जीता, ऐसे जियो आज के दिन को। तो जिस सुख की आप कामना करते हो आपको वो सुख मिलेगा, लेकिन आज के दिन को ऐसा नहीं जीते हो तो कल मिलेगा कभी नहीं, कल आएगा कहां से, कल पैदा किससे होगा, कल पैदा तो आज से ही होगा ना, और आज में नहीं है तो कल में कहां से होगा। तो चिंता हमेशा किस बात की होती है, चिंता इस आशा के साथ होती है कि कल आएगा, और जब वो आशा पूरी नहीं होती तो चिंता होती है। थोड़े दिन तक तो इंतजार कर लेता आदमी, और फिर इंतजार का बांध टूट जाता है, और फिर क्या कहता है, आखिर सब्र कब तक, आखिर कब तक धीरज रखें। बहुत माताएं लोग हमें मिलती है और एक ही बात कहती है, महाराज साहब आखिर कब तक सहन करें, आखिर कब तक धीरज रखें, बड़े थे तो उनका सुनते थे, छोटे आ गए उनका सुनते, आखिर हमारी जिंदगी का क्या होगा। भैया क्यों देखते हो बाहर की क्या होगा और कल होगा ऐसा सोचते भी क्यों, इसी क्षण से ऐसा जियो ना कि आप सुखी हो, आज ही है जो कुछ है। अगर आज में वैसे भावों से नहीं जी सकते हो तो कल उस अवस्थाओं को प्रकट करने की क्षमता होगी ही नहीं। तो आज ही वो भाव दशा अपने में लाओ, क्या फील कर सको कि मैं सुखी हूं। तो जैसे ही हम इन दो उपायों को अपनाते हैं, हमारे अंदर की चिंता करने की जो आदत है वो समाप्त। बहुत सारे उपाय है लेकिन हमने केवल दो उपाय की बात की, केवल दो उपाय अपनाना सीखो, जो मिला उसको महत्व दो, जो नहीं मिला उसको छोड़ दो, जाने दो, दिल से जाने दो, दिमाग से जाने दो, कह दो वो मेरा रास्ता ही नहीं था, वो मेरी जरूरत ही नहीं थी, वो मेरे काबिल ही नहीं था, वो मेरा मार्ग ही नहीं था। छोड़ना सीखो, और फिर दूसरा, आज में सुख है, सबसे श्रेष्ठ दिन कौन सा है, आज का दिन, आज का दिन सबसे श्रेष्ठ दिन है। अगर आपको अमीर होना है आज अमीर की तरह जियो, आपको मुक्त होना है तो क्यों सोचते हो कल किसी दिन तो मोक्ष होएगा हमारा, आज ऐसे जियो ना जैसे एक मुक्त पुरुष जीता है। एक मुक्त पुरुष कैसे जीता, बारिश आए तो क्या, ना आए तो क्या, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो मुक्त पुरुष हुआ ना। लोगों ने मान दिया तो क्या, अपमान दिया तो क्या, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मुक्त पुरुष है। आज ऐसे जियो ना जैसे आप मुक्त हो, तो कल के लिए मोक्ष के सपने के देखने की आवश्यकता ही नहीं बचेगी। हर आदमी कल के सपने देख रहा है और इसीलिए चिंता उसके साथ लगी रहती है। कितना भी करो आपको जो अनुभव होगा, जो फील करोगे आप, वो आपके अपने होने से ही फील करोगे। आप फील करना स्टार्ट तो करो, कैसे भी माहौल में आप क्यों ना हो, आप फील करना शुरू कर दो कि आज के दिन मैं सफल हूं, आज के दिन में मैं सुखी हूं, जो मिला है मैं उसके साथ बहुत आनंदित हूं, मैं उसके लिए थैंकफुल हूं, जो मिला है उनमें क्वालिटीज देखना स्टार्ट करो। और नहीं कर सकते हो तो बोल बोल करके करो, प्रैक्टिस करो। जैसे कैसे छोटे बच्चे को अपन होमवर्क देते हैं, फिर वो रटता है और बोल बोल करके याद करता है, फिर याद करके सुनाता है, फिर लिखता है, तब एग्जाम में जाकर के वो अच्छे मार्क्स ला पाता है। अपन भी छोटे थे तो बड़ी मेहनत करते थे, बड़े हो गए ना मेहनत करनी छोड़ दे।
तब चैप्टर्स को लर्न करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती थी, माइंड में उन वर्ड्स को भरने के लिए करनी पड़ती थी। अब फिर से नहीं मेहनत करनी है कि जो माइंड में पुराने वर्ड्स भरे हुए हैं ना, उनको निकाल करके नया सोच डालने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। भूल भूल के करो, खुद को कहो मैं आज के दिन संतुष्ट हूं, मुझे जो मिला उसके लिए मैं बहुत खुश हूं, जो नहीं मिला वो मेरी राह नहीं थी। अगर आज मैं सिंगल हूं तब भी खुश हूं, और मेरी फैमिली है तब भी खुश हूं। भूल के कहो, जो प्राप्त है वो बहुत है, मेरी काबिलियत से भी ज्यादा है। मेरे पास जो योग्यता है, मैं इस योग्यता के लिए आनंदित हूं, शुक्रगुजार हूं। मैं आज बात कर सकता हूं, गीत गा सकता हूं, आंखों से देख सकता हूं, कानों से सुन सकता हूं। जो मेरी काबिलियत आज इस दिन में, इस क्षण में है, मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूं। बोलना स्टार्ट करो, और जो पॉइंट आपके दिमाग में बार बार घूमता है और वहां से मन हटता ही नहीं, और कहता है कि मन कहता है मैं बहुत दुखी हूं ये मिला नहीं, बहुत दुखी हूं ये मिला नहीं, तो उस मन को कहो मैं बहुत सुखी हूं ये मिला नहीं। मुश्किल है कहना, पर कहना स्टार्ट तो करो। कई बार क्या होता है ना, आपको पता है छोटा बच्चा आग में हाथ डालना चाहता है तो माँ बाप उसको रोकते हैं, खींचते हैं, तो बच्चा बहुत रोता है, चिल्लाता है, बोलता है मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे बांधो मत। फिर माँ कहती नहीं बांधूंगी तो तू जाके हाथ डालेगा और हाथ जल जाएगा, और तुझे नहीं पता कि जलने का मतलब क्या होता है। मैं जानती हूं कि जलने के बाद तेरे को कितनी पीड़ा होगी, इसीलिए वो आग के पास जाने नहीं देती। अगर हम ऐसा ही भरोसा कर सकें कि कुछ चीजें ऐसी हमारी जिंदगी में जो हमें नहीं मिली, हमें बहुत आकर्षक लगती थी, जैसे बच्चे को वो लपट, आग की लपट आकर्षित करती है, हो सकता हमें भी कोई ऐसा ही व्यक्ति विषय था जो आकर्षित करता था, और हमारे पेरेंट्स ने हमें रोका, नियति ने हमें रोका, निमित्त ने हमें रोका, किसी ने भी तो हमें रोका, समय ने हमें रोका, आप गए ट्रेन छूट गई, जिससे मिलना था वो निकल गया और आप पहुंचे। तो अपने मन को चिंता में डालने की बजाय समाधान देना, बोलना प्रकृति को यही मंजूर है, इट्स ऑल राइट। मैं नहीं जानता कि मेरे लिए वो ठीक था या नहीं था, अगर मुझे नहीं मिला है इसका मतलब मेरे लिए वो ठीक ही था, उसका नहीं मिलना मेरे लिए ठीक ही था इसीलिए नहीं मिला है। ये समय सही करता है मेरे साथ में, समय मेरे साथ कभी अन्याय नहीं करता है। विश्वास करोगे ऐसा? आज दिन तक क्या विश्वास किया? हजारों लोग बोलते ऐसा, टाइम ने मेरा साथ नहीं दिया, हजारों लोगों के मुंह से आपने भी सुना होगा टाइम ने मेरा साथ नहीं दिया, है ना? क्या आपको ऐसे हजारों छोड़ के सैकड़ों लोग भी मिले, या 10-20 लोग भी मिले जो कहते हैं टाइम ने मेरा बहुत साथ दिया? बहुत थोड़े लोग होते हैं। बहुत थोड़े लोग मिलेंगे आपको ऐसे जो ये कहते हो कि समय ने मेरा साथ दिया। आप उन थोड़े लोगों में से बन जाओ ना, इतना ही कहना है, ताकि जिंदगी से चिंता हट जाए। जय हो।